सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। शनिवार को सीआरपीएफ ऑफिसर्स ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए अब सीआरपीएफ फोर्सेस द्वारा भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्षेत्र की निगरानी जैसे कार्यों में किया जाएगा। और ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली बात पर सीआरपीएफ पर्सनल्स का ये भी कहना था कि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि किसी क्षेत्र में आतंकी छिपे होते हैं और वे अचानक से फोर्सेस पर हमला शुरू कर देते हैं और ऐसी स्थिति में ये ड्रोन्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और क्लोज रेंज मिशंस के दौरान ये फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। और जबकि 2019 की शुरुआत में इंडियन आर्मी ने भी लोड बेयरिंग ड्रोन्स और स्लो मूविंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की खरीद की योजना बनाई थी। डिफेंस जर्नलिस्ट अनंता कृष्णलम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना था कि इस साल हेलेना मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के यूजर ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे और जबकि न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल के डेवलपमेंटल ट्रायल्स को इस साल शुरू किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डीआरडीओ लॉन्ग रेंज की अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर रही है और इसके साथ कई अन्य मिसाइल्स पर भी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बॉम्ब पर बात करते वे कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस साल इसके ट्रायल्स को पूरा कर लिया जाएगा और ये अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगा। और इस वेपन के साथ साथ डीआरडीओ कई अन्य वेपन्स को भी विकसित कर रही है और जबकि उनके मुताबिक QRSAM और गाइडेड पिनाका मिसाइल्स के डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमारा अगले 5 सालों के लिए जो रोड मैप है वो पूरा क्लियर है और हम तेजस MK2 AMCA और नेवल LCA पर काम कर रहे हैं और डीआरडीओ मिसाइल्स, रडार्स, टॉर्पेडोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सोनार्स जैसे क्षेत्रों में बहुत मजबूत है और हम इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भरता चाहते हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने देश के युवाओं को सलाह देते हुए कहा है कि चाहे आप डीआरडीओ में काम करें या फिर भारत की किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, बस जरूरी यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे विश्व स्तर पर बेहतरीन तरीके से विकसित करने की कोशिश करें और पूरी दुनिया को साबित कर दें कि भारत केवल इंटरनेट या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्रों में ही अच्छा नहीं है बल्कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बेहतरीन है। डिफेंस वेबसाइट लाइफ इज डिफेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर परीक्षण के एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है और यह हेलीकॉप्टर प्रोग्राम 18 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। और अगर सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होता है तो फिर HAL को इस हेलीकॉप्टर के लिए FOC मिलने से पहले 2021 के मध्य तक भारतीय रक्षा मंत्रालय से 187 LUH हेलीकॉप्टर्स के शुरुआती ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। बता दें कि HAL के इस LUH हेलीकॉप्टर प्रोग्राम ने सितंबर 2016 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और इस हेलीकॉप्टर ने अपनी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि IOC सर्टिफिकेशन को इसी महीने डिफेंस एक्सपो में प्राप्त किया है। और इस IOC को प्राप्त करने के लिए इस हेलीकॉप्टर के 3 एयर फ्रेम्स को प्रदर्शित किया गया था जिसमें इसकी परफॉर्मेंस और अलग अलग टेरेंस में इसके हैंडलिंग क्वालिटीज के पॉइंट्स भी शामिल थे। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद जनरल बिपिन रावत ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जिनमें से एक ट्राई सर्विस एयर डिफेंस कमांड को स्थापित करने का भी फैसला शामिल था। और अब इसी नई ट्राई सर्विस एयर डिफेंस कमांड पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि इस कमांड के हेड के तौर पर इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर को चुना जाएगा। और इसके अलावा CDS जनरल बिपिन रावत ने इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयरफोर्स चीफ के साथ इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड के स्ट्रक्चर और एसेट्स को फाइनलाइज करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और बाकी इसके अलावा भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से भारत में एक अधिक संख्या में चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा रहा है। और अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने भी अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने की पेशकश की है और जिसके तहत उन्होंने एक बड़ी तादाद में वैकेंसीज को पेश किया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस साल के अंत से पहले भारत और रशिया के बीच एगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स के सप्लाई और लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। बता दें कि एगला एस 6 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज के साथ आने वाला एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है जो कि अपने पुराने वाले वेरियंट्स की तुलना में एक इम्प्रूव रेंज सीकर्स और वॉरहेड्स के साथ आता है। बाकी हम इस एगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा इसरो की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 21 में एक बड़ी तादाद में 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा।
और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि अग्नि 3 की स्ट्राइक रेंज कितनी है और इसका सही जवाब है 3500 किलोमीटर। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।